दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके भी एंड्रॉयड मोबाइल में कहीं पर गूगल प्ले स्टोर नहीं दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को फिर से ला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं और सीखते हैं कि गूगल प्ले स्टोर को अपन अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे फिर से ला सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो मोबाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो रेडमी का MI नोट 5 है। दिखाना चाहूँगा, देखिए, ये देखिए, ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, उसको आप किसी भी मोबाइल में ट्राई कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आपको बताना चाहूँ, देखिए, पूरा बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अपन गूगल प्ले स्टोर को कैसे अपन अपने मोबाइल में फिर से ला पाएंगे, दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल की सेटिंग होती है, सेटिंग पे क्लिक करना होता है, ठीक है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप देखिए, कहीं पर भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप या ऐप मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन या ऐप मैनेजमेंट। जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिले उस पर क्लिक कीजिएगा। ये सभी के मोबाइल में ऑप्शन होता है, बस थोड़ा सा नाम अलग अलग होता है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आना होता है मैनेज ऐप में। तो आपको बताना चाहूँगा, कुछ मोबाइल में मैनेज ऐप के नाम से भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो जितने भी अपन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि को बताना चाहूँगा, जो गूगल प्ले स्टोर है यहाँ भी आपको देखने को कहीं पर नहीं मिल रहा, देख सकते हैं। अगर सर्च करूँगा, देखिए, मैं गूगल प्ले स्टोर, देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब सब जगह से हट चुका है। तो कैसे इसको अपन ला सकते हैं, चलिए आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। पूरा बंद कर देते हैं इसको अपन, ठीक है। अब सीखते हैं मेन टॉपिक की बात को, कि भैया अपने मोबाइल में अपन जो प्ले स्टोर मिसिंग हो गया है या नोट सोएंगे या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको अपन फिर से कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, फिर से अपन कैसे गूगल प्ले स्टोर को अपने मोबाइल में ला सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सिंपल बताना चाहूँगा। जो भी आप एंड्रॉयड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखिए, आपकी होम स्क्रीन पर आपको गूगल का एक सर्च बॉक्स देखने को मिलता है। जो बोल रहा हूँ मैं आपसे, आपको वही करना है, मन से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे, अगर आप इसमें बीच में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल जाता है, लेकिन आपको बीच में क्लिक नहीं करना। पूरा बंद करते हैं उसको, अपन देखिए। तो आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर सर्च है ना, सर्च के बगल में माइक है, फिर एक कैमरा बना हुआ है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल का एक लोगो देखने को मिलता है। आपको सिंपल गूगल यहाँ लिखा हुआ है जी वाले लोगो पे, मतलब कि गूगल वाले लोगो पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल पिक्चर का लोगो देखने को मिलता है। जो भी आपका आईडी होगी, खुली होगी मोबाइल में, उसका लोगो आपको देखने को मिलेगा। आपको राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड में कॉर्नर पे क्लिक करना है, गोल गोल पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर हम कई सारे ऑप्शन आते हैं, सर्च हिस्ट्री है ना, रिसेंट, रिवेंडर्स, यूअर डेट इन सर्च, और सेटिंग्स एंड हेल्प एंड फीडबैक। तो सिंपल आपको हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना होता है। जैसे आप हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे मेरी नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है और ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे आपके सामने हेल्प का एक ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना होगा, बताना चाहूँगा, देखिए, DISA डिसेबल सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा डिलीट और डिसेबल एप्स ऑन एंड्रॉयड। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए, क्लिक करने के बाद तो आप देख पाएंगे आपके सामने हेल्प का ऐसा पेज खुल जाता है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला दिखाना चाहूँगा, जिस पर लिखा हुआ, आप देख पाएंगे ये वाला, देखिए, जिस पर लिखा हुआ डिलीट ऐप टैप यू आर इंस्टॉल। तो आपको सिंपल टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐप इन्फो का ऐसा ऑप्शन खुल जाता है। अब ध्यान दीजिए, वहाँ मैंने आपको दिखाया था कहीं पर भी आपको गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन देखने को नहीं मिला था, यहाँ सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर को देखना होगा कहाँ पे। चलिए देखते हैं, अपन देख लेते हैं कहाँ है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पे लिखा हुआ गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ साइड में आप देख पाएंगे लिखा हुआ डिसेबल। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाता है इनेबल का, आप देख पाएंगे गौर से। आपको सिंपल इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा 30 सेकेंड का,
और ये पूरी विंडो का क्लोज हो जाता है, बिल्कुल क्लोज कर देना। चलिए क्लोज कर देते हैं, ये पूरा क्लोज कर देते हैं, ठीक है, पूरा क्लीन कर देते हैं, हट गया। तो आप देख पाएंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद, 10 सेकंड वेट कीजिएगा तो आप देख पाएंगे आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आपको गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये साइड में आ चुका गूगल प्ले स्टोर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन आ चुका है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर 5-6 सेकंड वेट करना होगा, और आपकी नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए यहाँ अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे ऐसा आ जाएगा, देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों इस तरीके से आप लोग गूगल प्ले स्टोर नॉट शोइंग वाली प्रॉब्लम को अपने किसी भी फ़ोन में, या एमआई के फ़ोन में, रेडमी के फ़ोन में, या रियलमी के फ़ोन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।